के पेड़ की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आम का पेड़ था। यह पेड़ बहुत ही सुंदर था। इस पेड़ पर हमेशा बहुत सारे आम लगे रहते थे और गांव के लोग इसके आमों का बड़ा आनंद उठाते थे। गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बड़ा ही प्रेम से उस आम के पेड़ के पास जाता था, वह आम तोड़कर खाता और अपने दोस्तों के साथ बांटता था। इस तरह वह पेड़ के पास हर दिन जाता और आम तोड़ता। एक दिन राजू ने देखा कि पेड़ के कुछ बड़े आम अभी तक पके नहीं थे। वह बहुत खुश हो गया और सोचा कि इस बार तो वह सबसे बड़ा आम तोड़ेगा। वह रोजाना उस आम की पूजा करता और उसकी देखभाल करता। कुछ ही दिनों बाद उस आम ने पकना शुरू किया। राजू ने उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे ध्यान से पकने दिया। अंत में वह आम तोड़ा और देखते ही रह गया कि वह सबसे बड़ा आम था जो उसने कभी नहीं देखा था। राजू ने उस आम को अपने दोस्त के साथ बांटा और सबको खुश किया। उसने सोचा कि जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो वह हमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फल देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ध्यान और संपूर्ण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह राजू ने अपने उत्साह से आम के पेड़ के साथ संबंध बनाए रखकर एक बड़ा और स्वास्थ्यपूर्ण आम हासिल किया। राजू ने उस पेड़ और स्वादिष्ट आम को खाकर अपने दोस्तों को गर्व से दिखाया। सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे बधाई दी कि उसने वाकई सबसे बड़ा और सबसे अच्छा आम पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष और उत्साह से अगर हम किसी काम को करते हैं तो हमें अच्छे नतीजे जरूर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट स्टोरी कौन सी सुनना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।